ओमती पुलिस पर एक व्यापारी के भाई को बेवजह बैठाए रखने के आरोप लगे हैं। जौलपुर में परमानंद नामक व्यापारी स्वयं का व्यापार करता है और अपने ही माल को डिलीवर खुद करता है। उसके भाई का कहना है, उसका भाई हॉस्पिटल के पास माल की सप्लाई करने गया था। उसके ऑटो में रखे 80,000 से अधिक रुपए किसी ने चुरा लिए, जिसकी रिपोर्ट दर्ज कराने उसका भाई परमानंद ओमती थाने पहुंचा था। उसके साथ खुद का असिस्टेंट भी था। ओमती पुलिस ने उसके भाई को और उसके साथी को थाने में बिठा लिया। आरोप लगाया है कि जब अपने भाई की जानकारी लेने पहुंचा तो उसे थाना प्रभारी ने थाने के बाहर भगा दिया। पलानी छावड़ा हॉस्पिटल के पास में व्यापारी को माल देके वसूली कर रहा था, माल दे रहा था, और फिर उसके डिक्की से ऑटो से उसके चोरी हो गई। कितने पैसे थे उसमें? 80-85 हज़ार रुपये थे। रिपोर्ट दर्ज कराई? रिपोर्ट दर्ज कराने थाने आया है तो TI साहब ने उसी को बिठा दिया है यहाँ। क्या बोल रहे हैं? और हम जब यहाँ अभी उनसे मिलने आए तो TI साहब ने मिलने नहीं दिया और हमें बाहर भगा दिया। उसके साथ और कौन? उसका हेल्पर। उसके साथ उसका हेल्पर है। क्या काम करता था भाई आप? हमारा भाई सेल्स मैनी का काम करता। खुद का माल है? खुद का माल है। वो खुद के ऑटो में व्यापारियों को देता है और उन्हीं से वसूली की जा रहा है। उसका खुद का पैसा था? जी हाँ, खुद का पैसा था। आपका नाम? हमारा नाम लालचंद गोखले। जौलपुर से आशीष पात्रे की रिपोर्ट।